उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा का आज पांचवां और आखिरी दिन है। परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 से 12 और दोपहर को 3 से 5 दो पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। सख्ती के चलते 4 दिनों की परीक्षा में 30% कैंडिडेट परीक्षा छोड़ चुके हैं, लेकिन जो परीक्षा दे रहे हैं वो इस पूरी प्रक्रिया से खुश नजर आए। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से नीतिका दीक्षित, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, मुजफ्फरनगर से विनेश पवार, भदोही से दिनेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ ही चलते हैं नीतिका के पास। नीतिका, आज जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसका पांचवा और आखिरी दिन है, आज के लिए किस तरह की तैयारी है ताकि अंतिम दिन भी पूरी तरह से चाक चौबंद तरीके से, सतर्क तरीके से परीक्षा कराई जा सके? जी देखिए, आखिरी दिन है लेकिन तैयारी पूरी है। जिस तरह से यूपी पुलिस के इस एग्जाम के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, उसको ध्यान में रखते हुए जो तैयारियां हैं वो आखिरी दिन भी उसी तरह से दिख रही हैं जैसी पहले दिन थी। जो ये एग्जाम है आज उसका आखिरी दिन है। 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा, 10 से 12 और 3 से 5 की शिफ्ट में। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे क्योंकि इससे पहले पेपर लीक की घटना हुई थी। इसके बाद में ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है, तो पुलिस एसटीएफ एटीएस एलआईयू सभी की जो संदिग्ध हैं उन पर लगातार नजर बनी हुई है। हम इस वक्त लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लगातार एंट्री हो रही है। ये जो एंट्री गेट है यहां से एंट्री हो रही है, यहां पर डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, 3 लेयर का जो सिक्योरिटी चेक है वो हो रहा है। जो प्रतिबंधित आइटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या ज्वेलरी आइटम्स हैं उनके लिए मना किया गया था, तो जो कैंडिडेट्स उनके साथ आ रहे हैं उनके वो आइटम्स उनके परिजनों को वापस देने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे जो राखी कलावा है वो भी यहाँ पर निकाले गए हैं। तो सिक्योरिटी चेक के लिए जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है उसमें सख्ती से पूरी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। आज आखिरी दिन है, किसी तरह की कोई चूक ना हो इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। रामगोपाल भी गोरखपुर से हमारे साथ है। रामगोपाल, अब आखिरी दिन और कोई चूक नहीं होनी चाहिए इसलिए अब भी सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसी ही, चेकिंग पहले जैसे ही और मुस्तैदी भी पहले जैसी? बिल्कुल, और इस बार की जो परीक्षा है वो इतनी चाक चौबंद रही कि कोई भी अवांछित तत्व यहाँ पे इर्द गिर्द मरनाने की कोशिश नहीं कर पाया। और अगर हम इन 5 दिनों की परीक्षा की बात करें तो जो पहले 3 दिन हुए उन पहले 3 दिनों में शुरुआती पहले दिन कुछ कोशिश हैकरों ने की, कुछ कोशिश ठगों ने की, दूसरे दिन फिर कार्रवाई हुई, उस तीसरे दिन भी कुछ लोग कार्रवाई की जद में आए, जिसका नतीजा ये रहा कि जब दोबारा मतलब चौथे और पांचवें दिन की जब परीक्षा शुरू हुई तो कल पूरे दिन कहीं भी, ना सिर्फ गोरखपुर मंडल बल्कि प्रदेश में कहीं भी ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि किसी ने कोशिश तक बिल्कुल तो अब तक यही कहा जा सकता है रामगोपाल, अब तक जो परीक्षा हुई है बहुत साफ सुथरे तरीके से हुई है और आगे भी ये परीक्षा साफ सुथरे तरीके से ही होगी। विनेश भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। विनेश, जरा वहां का हाल बताइए, आज आखिरी दिन किस तरह की व्यवस्था? बिल्कुल, आज आखिरी दिन है और मुजफ्फरनगर पुलिस ने जैसे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें कड़ी से सख्ती से पालन कराया है। मैं परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं, सबसे पहले मैं वहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सिविल लाइन पुलिस की गाड़ी खड़ी है जो बार बार यहाँ के अपने थाना क्षेत्र के जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, उन पर बार बार पहुंच रही है और यही मुस्तैदी से जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात है और एक एक कर जो परीक्षार्थी है उनको सेंटर, जो परीक्षा सेंटर है उनको अंदर भेज रहे हैं। बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर स्पष्ट लिखा गया है कि बिल्कुल तो यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। भदोही से दिनेश भी हमारे साथ हैं। दिनेश, जरा वहां का भी जल्दी से हाल बता दीजिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आज आखिरी दिन परीक्षा के। देखिए नीलू, भदोही के जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हम इस समय भदोही के केएनपीजी कॉलेज पर हैं और यहां पर पहली पाली की जो परीक्षा है उसके लिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो केंद्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहां 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। जो भी प्रतिबंधित सामग्री है उसको बाहर ही जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों को दे दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद के 6 परीक्षा केंद्रों पर आज आखिरी दिन भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं और अभी तक सकुशल यहां परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। किसी भी तरह की अप्रिय यहां कोई सूचना नहीं है। प्रशासन का कहना है कि आखिरी दिन भी
बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से परीक्षा अब तक पुलिस भर्ती हुई है वो बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से हुई है और लोगों की उम्मीदें भी अब इस परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर नोएडा से लेते हैं जहां पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर तेजी से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम जोर शोर से हो रहा है। पहले फेज में 1334 हेक्टेयर में 12 मिलियन कैपेसिटी के साथ एयरपोर्ट शुरू होगा। वहीं अंतिम फेज यानी कि चौथे चरण तक 70 मिलियन कैपेसिटी का जेवर एयरपोर्ट हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट देश का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पहले फेज को जल्द पूरा करने के लिए तैयारी जोर शोर से हो रही है। टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और हवाई पट्टी का काम जारी है। वहीं नॉर्थन हवाई पट्टी का काम पूरा हो चुका है। हवाई पट्टी पर लाइटनिंग का काम भी चल रहा है। इस वक्त करीब 80% काम पूरा हो चुका है। टर्मिनल में बनारस के ब्रिज घाट की झलक देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट को भारतीय संस्कृति से सकेजा जाएगा। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। वहीं अकासा और इंडिगो के ज्यूरिक निर्माता कंपनी का MOU साइन हुआ है। एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल का बड़ा हब बनेगा। देखो, ये सबसे सबसे एक्साइटिंग बात है और इसके पीछे ना बहुत काम है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये सिर्फ 2 साल की पीरियड का कंस्ट्रक्शन है, राइट? सो आप मान ही सकते हो कि हमने जो दिल जान लगा के यहाँ पे रात दिन एक किया हुआ है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, तो हमारे लिए पहले पैसेंजर को देखने की बहुत खुशी है। मैं तो वेट करती हूँ ऐसी मोमेंट्स के लिए कि ऐसा टाइम आए कि फ़्लाइट आए और पहला पैसेंजर हो, शायद कोई पहला बच्चा ही हो, शायद कोई ऐसा ही हो जिसने कभी फ़्लाइट ली ना हो और पहली बार ले रहे हो, शायद कोई हमारे जेवर का ही हो, यू नो। सो इट कुड बी मैनी मैनी मोमेंट्स ऑफ इमोशंस। नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट, इस समय हम वहीं मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो से वहां की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे। फिलहाल हम जिस रनवे पर मौजूद हैं यही नॉर्दर्न रनवे है और यहां पर दिसंबर में ट्रायल होना है। मैं कैमरामैन विपिन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। 3900 मीटर यानी करीब 4 किलोमीटर लंबे ये रनवे है और 60 मीटर चौड़ा है और यहाँ पर दिसंबर 2024 में ट्रायल टेस्टिंग होगी और उसके बाद अप्रैल 2025 डेडलाइन फिक्स की गई है जहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ सकेंगी। और आप तस्वीरें देखेंगे, एक विशालकाय लंबा रनवे पैच है, साथ ही इसके यहाँ पे किनारे लाइटिंग्स का काम शुरू कर दिया गया है। लाइटिंग्स का 80% काम पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा कैमरामैन से मैं कहूँगा आपको ठीक पीछे दिखाएं, वहाँ पर आपको टर्मिनल कार्गो दिखाई देगा और यहीं से लॉजिस्टिक यानी जिसकी बात की जा रही थी कि जो बिजनेस को बढ़ावा होगा, जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पंख लगाएगा, ये वही टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल जो बनने को जा रहा है और जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई, ये सामने ATC टावर है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, यहीं से फ्लाइट्स का आवागमन अराइवल डिपार्चर तय होता है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी एयरपोर्ट का। ठीक हवाई पट्टी से सटा हुआ है ATC टावर, इसका भी काम पूरा हो गया है लगभग और जल्द ही